MSC Bijud Lamsa condemns the derogatory term against North Kachhawal's Autonomous Council CEM used by NDH reporter. Also demanded unconditional apology for NDH reporter since use of such an unparliamentary and unconstitutional words against dignified personality like CEM. हुआ सीएम का ऊपर में जो एनडीएस का रिपोर्टर आप सब गाली गलौज का इस्तेमाल किया उसका ऊपर में मैं रेस्पॉन्स देना चाहता हूँ। ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इसे कंडेम करता हूँ, क्योंकि एक रिपोर्टर एक डिस्ट्रिक्ट का ऑटोनोमस काउंसिल का सीएम का ऊपर में ऐसे आप सब करना जी महासव का कोई भी डेनिजन का ऊपर में डेनिजन भी अधिकार नहीं है ऐसे गाली गलौज करना। ये समाज में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो जेड नोनिशा को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। Lankasa was addressing a press conference held at his office on Wednesday. उसे इस सब वापस लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा तुरंत जल्द से जल्द। इससे जी महासव के यूथ के ऊपर में बहुत सा नाराजगी फैल गया, आगे जाके ये आप पकड़ भी सकता है। इसे रोकने के लिए उसे माफी मांगना ही चाहिए, मांगना ही पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम में कोई भी किसी को भी गाली नहीं दे सकता है। ये बहुत ही गलत इस्तेमाल है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। इसलिए मैं बार बार विनती करता हूँ, तुरंत ही माफी मांगे। और जो चेत दुनिशा को माननीय सीएम देवला गलौसा ने मीडिया नहीं बनने का जो दावा किया, वो एक व्यक्ति को नहीं मानने का अधिकार रहता है, ये उनका अधिकार है। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा था आपकी अदालत में, रजत शर्मा की अदालत में, वहां तो बाला साहब ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट को भी हम नहीं मानता बोल के बोला, ऐसा मैंने देखा था। शायद अभी भी मिलेगा वो फिर। तो वो तो व्यक्तिगत अपना मानना नहीं मानना तो सबका अधिकार है, लेकिन गाली गलौज करना तो मुझे नहीं मानता, ये सही माना जाएगा समाज में। तो उस वो इतना वो बात सुन के इतना बौखला गया, वो अपना मीडिया चलाने का एक चला के आया, वो उसको अपना इमेज को भी वो खराब कर रहा है। अगर वो गाली गलौज सुनने के बाद में सीएम सर तो छोड़ो, बिजित लांगथासा भी मीडिया नहीं मानता, शायद उसका पास वो डिग्री नहीं होगा जो बीए एंड जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, वो डिग्री होने से वो ऐसा रिएक्ट नहीं करता था शायद, मेरे समझ में। इसलिए सिर्फ बिजित लांगथासा सीएम का बात नहीं है, अगर वो इस तरह का हरकतें करना बंद नहीं करेगा तो शायद हमारी दिमागों की जनता भी उसे मीडिया नहीं मानेगा। और खास करके हमारी माइबांग वेस्ट इस खालसान का यूथ भी मेरे ख्याल से मीडिया नहीं मानता, मानता कि नहीं मानता, नहीं मानता। इसलिए दिमागों में अभी असेंबली इलेक्शन भी आने वाला है, इसलिए शायद वो किसी का दिल जीतने के लिए किसी और फर्जी अलग अलग फर्जिया से उनकी बात मानने के लिए भी ये सब शायद आग लगाने के लिए भी निकल सकता है। लेकिन उसे मैं एक नसीहत देना चाहूँगा, एक मीडिया का जिम्मेदारी सही तरीके से निभाए, उसको निभाना चाहिए और इधर उधर ना भटके किसी का बात सुन के। और वो भी दिमागसाव खालसान का ही है, वो वहाँ शांति बनाए रहे, वो ऐसे माफी आप ना फैले
इसलिए तुरंत ही समझदारी से काम लेते हुए डिमासाओ का जनता से माफी मांगना ही पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसलिए जेट डोडिशा से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो देवलाल गौरोसा का ऊपर में जो आप सब कहा, वो सिर्फ देवलाल गौरोसा का ऊपर में नहीं, डिमासाओ हसाओ का जनता का ऊपर भी कहा है। और भविष्य में देवलाल गौरोसा सीएम अगर ना ही होके कोई भी अगर सीएम होता तो उसका ऊपर भी ऐसा आप सब करना ठीक बात नहीं है। ये इसका पूरा समाज में पूरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं ज्यादा खुश ना कहते हुए बार बार जेट नुनिशा को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्द से जल्द माफी मांगे। और नुनिशा को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्द से जल्द माफी मांगे और डिमासाओ को शांति बनाए रखने में एक कदम वो बढ़ाए। और मीडिया पर्सन होने से पॉलिटिक्स में ज्यादा थाप झाप ना करे, ये मैसेज देते हुए मैं अपनी बात यहीं पे विराम देता हूँ। नमस्ते। The press meet was also addressed by several others. And I totally condemn this, the word which he has used in social media. This thing should not be repeated again, and the bad word which is not suitable for any person, that kind of person, that kind of words he have used. So I totally condemn on the behalf of youths, and this thing should not be repeated again. And the coming in front of camera and coming in front of social media and telling all this rubbish, this should not be repeated again. And I completely condemn all this. And what he is telling, what he is doing, it doesn't democracy country. So every person has right their to say their own opinion, and this thing should not be repeated again. I totally condemn this. This media among much grobai guba je donation bari ha ko je donisa khalasan ni khalasan adu ya usbu to ende sabore kudar jaba to bar bar dimasan sem ni bisawa nadi nadi thaidu nadi nadi sibu bai join dong join dong odeban doha nole nole ni sungut sleidu to hatan ni apa mai bang karor guru je leidu jani hapaya jani dimasan ni ge जाने सुबुंगे सी एम एल हाथन दंगे सुबुंगे बार बार वो जो जो खाटू मैंने राजी रहा यूथरा खरीबू जे जे दुनिया नींबू माप सैला माप सैंगे खाला दोहा राजी रहा रुंगो रुंगो बाप जराव जराव दिराव दिराव जाएगा हाउजों थी खाला नींबू इंडियस बार गार जर हाउजों थोमको और खाला सोना दंग नीं हिसीब जाबे नीं बार बार आं जानी सुबुजों छिदू हाथों नाम लाइनगे जेंदू माइबा एंड बार बार जगह फटो फूल बार बार संस्कृति मुस्त जाए नाइए पलिटिकल से बोमा बार बार चिताजू जे इरानी एम एस सी मैं यूथर बंदू माप सैमे सन्द माप सही दंगसोला आरोखे नहीं बार बार दाटी मैं राज्य मामा नहींबू हि सिमा खरें खरें जमासे जो जेट नुनिशा ने एक सीएम के ऊपर एक गलत शब्द प्रयोग किया है उसको हम लोग बहुत कंडेम करता है। वो ऐसे शब्द बोलना नहीं चाहिए था। एक ऑनरेबल सीएम डिमासाओ का ऐसे गलत प्रयोग ना करना चाहिए था। लेकिन हम लोग ये दरख्वास्त है जेट नुनिशा से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं,
बाहरी लोग का एक बात ध्यान में रखते हुए ऐसे गलत शब्दों ना बोलने के लिए जेड नोनिशा को रिक्वेस्ट करता है। वो अपना सीएम से माफी मांगने के लिए सीएम के बोला, मतलब हम लोग सब जनता को बोला ऐसे है, इसलिए जेड नोनिशा से बार बार रिक्वेस्ट है ये माफी मांगना पड़ेगा इसलिए।